Hello students, hope that you are doing good. In this video, we are going to understand page number 1 of Science 2 that comes under chapter Heredity and Evolution. But before starting this, I will inform you that we have completed the whole series of Gravitation chapter on this channel. That is with exercise question. So if you want to explore all videos, then I have given all the links to the I button. You can see the videos from there. So without any further delay, let's dive into these pages. So अब हम start करते हैं page number 1. इस page के starting में ही आपको total 3 canonical के question मिलेंगे. और तीनों question को मैंने यहाँ पे board पे लिखा है. इसमें से first question है, which components of the cellular nucleus of living organism carries hereditary character? क्या बोल रहा है? कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है सेल के अंदर जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स कैरी करता है. ओके, सो हमने सारा पढ़ा है. देखिए, आपको ध्यान में भी होना चाहिए कि सेल के अंदर ढेर सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गॉल्जी बॉडी होता है, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ढेर सारे कंपोनेंट्स होते हैं. सो ये पूरे कंपोनेंट्स में से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कैरेक्टर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पांसिबल है. ओके, तो हमें इसके बारे में पता है क्या? डीएनए. तो डीएनए ये मॉलिक्यूल है जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है. इसी के लिए तो हम डीएनए को क्या बोलते हैं? एक जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं. ओके, सो ये प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है ना, जिस प्रोसेस में कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं. ओके, सो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ओके, और ये कैरेक्टर्स को कौन ट्रांसफर कर रहा है? तो जो सेल के अंदर जो डीएनए है ना, वही इन सारे कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर कर रहा है. ओके, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू वी कॉल टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी? क्या पूछ रहा है कि हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें कैरेक्टर्स, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, ओके, तो जिसमें कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं. तो अभी अभी हमने इसके बारे में देखा. ओके, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी. ओके, सो हेरिडिटी इज अ प्रोसेस इन विच फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी, यानी टू द ऑफस्प्रिंग, यानी टू द नेक्स्ट जनरेशन. ओके, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल? क्या पूछ रहा है कि डीएनए मॉलिक्यूल का कंपोनेंट क्या क्या है, मींस डीएनए मॉलिक्यूल क्या क्या चीजों से बना है. सोचिए जरा इसके बारे में. हमने प्रीवियस चैनल में थोड़ा तो देखा है इसके ऊपर कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. ओके, डीएनए क्या है? डीएनए इज अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ओके, मींस एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये सारे न्यूक्लियोटाइड की चेन को हम क्या बोलेंगे? डीएनए बोलेंगे. अब जरा सोचिए कि ये न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ रहता है. तो न्यूक्लियोटाइड बनता है तीन चीजों से. तीनों चीजों में से पहला क्या है? पहला है फॉस्फेट. ओके, तो सबसे पहले फॉस्फेट, दूसरा है शुगर. शुगर क्योंकि ये डीएनए है तो इसके अंदर कौन सा शुगर होगा? डी ऑक्सीराइबोस. और थर्ड जो चीज आता है उसके अंदर, वो आता है नाइट्रोजनस बेसिस. ओके, अभी नाइट्रोजनस बेसिस चार टाइप के होते हैं, एडेनिन, ये थाइमिन, गुआनिन, ये साइटोसिन. ओके, सो ये तीनों चीज मिल गई है, फर्स्ट फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस. ये तीनों चीज मिलके हमें क्या देता है? हमें मिलता है न्यूक्लियोटाइड. और इसी न्यूक्लियोटाइड के चेन को, क्या मैंने बोला? इसी न्यूक्लियोटाइड के चेन को हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमारे तीनों कैनोनिकल खत्म होता है. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्चुअल चैप्टर. सो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पहला कंसेप्ट जो है हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस के बारे में. सो इस पैराग्राफ में हम लोग सिंपली ये देखेंगे कि किस तरीके से डीएनए को डिस्कवर किया गया. So, वो पूरा पैराग्राफ का समरी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया. तो सबसे पहले हम लोग रीड करते हैं, हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स. ये फर्स्ट पॉइंट में सिंपल ये बताया गया है कि हेरिडिटी क्या है. तो अभी अभी हमने देखा, हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. बट यहाँ पे ये चीज आप ध्यान दे दीजिए कि ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं ये किसके वजह से हो रहे हैं, इन्हें कौन ट्रांसफर कर रहा है? तो इन्हें ट्रांसफर कर रहा है डीएनए. यानी तो स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं, इन्हें ट्रांसफर कर रहे डीएनए के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट है वो. ओके, सो इसी के लिए हमें ये चीज इधर पे बताना पड़ेगा कि
कि ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे ये वाया जीन्स हो रहे, यानी तो थ्रू जीन्स हो रहे। इसी के लिए इधर पे वापस इसको रीड करता हूँ, हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ओके फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स ओके। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट से ये पूरा इधर लास्ट तक ये प्रॉपर टाइमलाइन है, मींस इस ईयर में ये एक्सपेरिमेंट हुआ, इस ईयर में ये एक्सपेरिमेंट हुआ, इस ईयर में एक्सपेरिमेंट हुआ, और ये पूरे एक्सपेरिमेंट के सीरीज होते होते लास्ट में ये चीज मालूम पड़ा कि डीएनए करके समथिंग कुछ तो होता है, और यही वो चीज है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर भी करता है ओके। सो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो हुआ था 1886 में ओके। किसने परफॉर्म किया था? तो वो किए थे जॉन ग्रेगर मेंडल, ये तीन लोग नहीं है, ये 80 साइंटिस्ट का नाम है, पूरा नाम जॉन ग्रेगर मेंडल, पर हम लोग क्या बोलेंगे इनको, सिंपली मेंडल बोलेंगे। तो इन्होंने क्या चीज परफॉर्म किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया रिलेटेड टू हेरिडिटी ओके। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो हेरिडिटी से रिलेटेड था, और क्योंकि हेरिडिटी ये क्यों होता है, डीएनए के वजह से होता है, इसी के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हुआ था 1886 में हुआ था, मेंडल ने किया था, और डीएनए से रिलेटेड किया था ओके। इसके बाद ही इज अ पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ध्यान से मेंडल को हम क्या बोलते हैं, पायनियर बोलते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स का। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिंपल सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स से रिलेटेड किसने किया, मेंडल ने किया, इसी के लिए हम मेंडल को क्या बोलते हैं, पायनियर बोलते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स का ओके। इसके बाद एंड ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स ओके, समझ सकते हैं कि इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इनका ही था। इसके बाद पूरा सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए जेनेटिक्स से रिलेटेड, यानी तो डीएनए से रिलेटेड ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो ये हो गया 1886 में पहला एक्सपेरिमेंट, उसके बाद आता है 1901 में दूसरा एक्सपेरिमेंट, किसने किया, तो ह्यूगो डेविस ने किया। किससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू म्यूटेशन। अभी म्यूटेशन क्या है पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, डीएनए के अंदर जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं ओके। डीएनए का प्रॉपर स्ट्रक्चर है, अब इस स्ट्रक्चर में कुछ इधर उधर अगर चेंजेस हो गया और इस चेंजेस के वजह से कुछ अगर इफेक्ट हुआ, तो इन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं ओके। सो इसी से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट था वो किसने किया, ह्यूगो डेविस ने किया, कब किया, 1901 में किया ओके। सो ह्यूगो डेविस पब्लिश हिज थियरी कॉल्ड म्यूटेशनल थियरी ओके। सो ह्यूगो डेविस ने म्यूटेशन थियरी एच इज पब्लिश किया, और उन्होंने उस थियरी के अंदर वो चीज बताया कि म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन किसके वजह से होता है ओके। ये पूरा डिटेल इस थियरी में ह्यूगो डेविस ने बताया। इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो हुआ 1902 में हुआ, किसने किया, वॉल्टर एंड सटन ने किया। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया क्या, कि जो ग्रास ऊपर होता है ना, जो ग्रास ऊपर होता है उसके सेल्स के अंदर उन्होंने क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया ओके। अब ये क्रोमोसोम क्या होता है, तो शायद हमें इसके बारे में पता है, डीएनए से ही क्रोमोसोम रेडी होता है ओके। तो सबसे पहले क्रोमोसोम को किसने डिस्कवर किया, तो वॉल्टर एंड सटन ने किया। कहां किया, तो ग्रास ऊपर के सेल में किया ओके। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो हुआ 1944 में, किसने किया, तो एक्चुअली तीन साइंटिस्ट का ग्रुप था, पहला साइंटिस्ट ऑस्मोल्ड एवरी, दूसरा मैकलिन मैकार्टी एंड तीसरा पॉलिन मैक्लियोड ओके। और क्योंकि ये तीन साइंटिस्ट का ग्रुप है, इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रायो बोलते हैं ओके। आई थिंक आप समझ सकते ट्रायो क्यों बोलते हैं। तो सिंपली 1944 में ट्रायो ऑफ ऑस्मोल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्टी एंड पॉलिन मैक्लियोड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और वो एक्सपेरिमेंट से ये चीज प्रूव हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है ओके। ध्यान दीजिए, ये एक्सपेरिमेंट, ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट का सीरीज है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसी के लिए पढ़ रहे हैं कि डीएनए किस तरीके से डिस्कवर किया गया, ये चीज समझने के लिए ओके। तो ये 1886 में कुछ हुआ, फिर 1901 में कुछ हुआ, फिर 1902 में कुछ हुआ, और फाइनली 1944 में ये तीनों साइंटिस्ट के ग्रुप ने हमें ये चीज प्रूफ करके दिया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो डीएनए ही होता है, बाकी कुछ और नहीं होता ओके। बट इधर पे एक्सेप्शन भी है कि वायरसेस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए नहीं होता, बाकी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो दुनिया में वो
उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है एक्सेप्ट वायरस। ओके नेक्स्ट पॉइंट, अब 1944 के बाद डायरेक्टली कहा 1961 में, तो 1961 में दो फ्रेंच के साइंटिस्ट थे और क्योंकि ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है इसलिए इनको क्या बोलते हैं फ्रेंच जेनेटिस्ट बोलते हैं। तो कौन से दो साइंटिस्ट, तो पहले फ्रैंकोइस जैकोब एंड दूसरे जैक मोनार। ओके ये दोनों फ्रेंच के जेनेटिक्स थे और इन्होंने ये चीज बताया, कि किस तरीके से बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। ओके तो वही चीज इधर पे मैंने लिखा है कि 1961 में ये दोनों साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, बताया मॉडल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होता है बॉडी के अंदर, उसका पूरा स्टेप, उसका पूरा प्रोसेस इन डिटेल ये दोनों साइंटिस्ट ने बताया। कहां पे एक्चुअली उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कहां पे परफॉर्म किया, तो उन्होंने ये पूरा जो प्रोसेस है ये पूरा उन्होंने देखा बैक्टीरिया के सेल के अंदर। ओके और वो चीज देखने के बाद उन्होंने ये चीज मालूम पड़ा कि जो भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है ना बॉडी के अंदर, या नहीं तो सिंपली ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर, वो हो रहा है ड्यू टू डीएनए। ओके इसी के लिए डीएनए लाइन लिखा गया है विद द हेल्प ऑफ डीएनए। तो वापस इसको पढ़ता हूं, 1961 फ्रेंच जेनेटिस्ट फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैक मोनार प्रपोज द मॉडल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा मॉडल बताया किसका हेल्प लेके, तो विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया सेल के अंदर जो डीएनए है उसका हेल्प लेके उन्होंने पूरा प्रोटीन सिंथेसिस का मॉडल प्रिपेयर किया, यानी तो बताया। ओके इसके बाद हेल्प्स टू अनकवर द जेनेटिक कोड हिडन इन द डीएनए। अब जैसे ही ये साइंटिस्ट ने, दोनों साइंटिस्ट ने ये चीज बताया कि डीएनए के वजह से ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है बॉडी के अंदर। ओके सो इसी के वजह से हमें ये चीज हेल्प मिला कि जेनेटिक कोड, यहाँ से जो जेनेटिक कोड है डीएनए के अंदर, जो छुपे हुए जेनेटिक कोड है डीएनए के अंदर, उनको हम क्या कर सके, अनकवर कर सके। ओके तो सिंपली ये चीज मालूम पड़ने के बाद कि डीएनए से ही प्रोटीन रेडी होता है, हमें ये भी चीज मालूम पड़ गया कि डीएनए के अंदर ढेर सारे जेनेटिक कोड है। ओके पर ये ढेर सारे जेनेटिक कोड ही एक प्रॉपर बॉडी को रन करता है, क्लियर हो रहा है। फिर ड्यू टू विच द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एमर्ज। अब क्योंकि हमें ये चीज मालूम पड़ गया था कि डीएनए के अंदर ढेर सारे जेनेटिक कोड है और यही जेनेटिक कोड पूरे बॉडी को रन करता है, तो इसी का हेल्प लेके हमने एक टेक्निक डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में आप हायर स्टडीज में देखेंगे। ओके सो इसी से हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एमर्ज हुआ, सामने आया, विच हैव वास्ट स्कोप इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोल रहे हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है इसका बहुत ज्यादा स्कोप है इसके अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। ओके सो यस ये भी एक इंजीनियरिंग का टाइप है, जेनेटिक इंजीनियरिंग ये भी एक इंजीनियरिंग का टाइप है जिसके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा स्कोप है। और ये पूरी चीज हमें कब मालूम पड़ा, जब फ्रैंकोइस जैकोब और जैक मोनार ने ये चीज बताया कि डीएनए से ही प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाता है। ओके अब इसके बाद जैसा कि हमें ये चीज पता है कि हेरिडिटी के बारे में, जैसे ही हमें ये चीज मालूम पड़ा हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर कैरेक्टर हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, तो डीएनए की वजह से हो रहा है, पर डीएनए प्रोटीन भी सिंथेसिस करता है, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन हमें स्टेप वाइज पूरा चीज हमें मालूम पड़ता है। और अभी हमारा ऐसा स्टेज हो चुका है कि जो हेरिडिटी डिसऑर्डर्स होते हैं ना, मीन्स ऐसे डिसऑर्डर्स जो जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, जिनको हम लोग मेडिसिन या कुछ थेरेपी से ठीक नहीं कर सकते, ऐसे डिसऑर्डर्स को भी अभी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो डीएनए का जो पूरा जेनेटिक कोड है उसके बारे में अच्छी तरीके से मालूम है। ओके तो जो भी हेरिडिटी डिसऑर्डर्स है उनको कैसे डायग्नोस करें, उनको कैसे ट्रीट करें, यानी तो सिंपली उनको कैसे प्रिवेंट करें, ये पूरा इंफॉर्मेशन हमारे पास है। बट पहले जब ये सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हुए थे तब हमारे पास इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं था, तब हमारे पास ये कैपेसिटी नहीं थी कि हम जो हेरिडिटी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट कर सकते। बट अभी वैसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी हम सारे डिसऑर्डर्स को ट्रीट लगभग कर सकते हैं। ओके इसके अलावा हमने जो हाइब्रिड होते हैं ना, जो हाइब्रिड मीन्स दो स्पीसीज ले लिया, दो एनिमल को लेके एक एनिमल रेडी किया, दो प्लांट्स को लेके एक प्लांट रेडी किया। ओके जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। तो
ये पूरा हेरिडिटी के बारे में, डीएनए के बारे में जैसे जैसे हमें नॉलेज आता गया, हमने हाइब्रिड भी बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके, इसके बारे में इन डिटेल हायर स्टडीज में देखेंगे। ओके, तो अभी हमें ये चीज पता है कि डीएनए के वजह से ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है बॉडी के अंदर। ओके, और हमें ये भी पता है कि प्रोटीन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है बॉडी के लिए, मॉलिक्यूल है बॉडी के लिए, क्योंकि प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी बोलते हैं। ओके, सो किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होता है बॉडी के अंदर, इसका इन डिटेल हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट कंसेप्ट, जिसमें हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बट ये सारे चीजें स्टार्ट करने के पहले दो कैनोटेल के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए। ओके, सो हमें ये चीज पता है कि डीएनए क्या है, तो डीएनए इज द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, मींस ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड को मिला के डीएनए का स्ट्रैंड रेडी होता है। बट ये न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ रहता है, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने ये चीज देखा कि न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती है, पहला फॉस्फेट, दूसरा शुगर एंड तीसरा नाइट्रोजनस बेस। तो ये तीनों चीज मिला के एक न्यूक्लियोटाइड रेडी होता है, और ये न्यूक्लियोटाइड के चेन बनने के बाद हमें डीएनए का एक स्ट्रैंड मिलता है। ओके, अब हमें ये भी चीज पता है कि डीएनए ये डबल स्टैंडर्ड है, मींस डीएनए को टोटल दो स्ट्रैंड है, बट इसी के ऑपोजिट आरएनए को सिंगल स्ट्रैंड है। ओके, और डीएनए का जो ये दोनों स्ट्रैंड है वो कैसा है, हेलिक्स के फॉर्म में, हेलिक्स मतलब क्या, वो ट्विस्ट के फॉर्म में। इसी के लिए हम डीएनए को क्या बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद ये जो डीएनए है ये न्यूक्लियस के अंदर कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, और इस कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ओके, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में देखा, इसके लिए जस्ट इधर पे मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ये सब। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ आरएनए, तो ये भी हमने पता है आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, ये तीनों टाइप से किसके आरएनए के, जिसमें से आरआरएनए कहां पे प्रेजेंट होता है, राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। एमआरएनए का क्या काम है, तो एमआरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो भी इंफॉर्मेशन रहता है उसको डीएनए से राइबोसोम तक लेके जाता है। टीआरएनए का क्या काम है, तो टीआरएनए कैरी करता है अमाइनो एसिड को। अब ये अमाइनो एसिड क्या है, तो जिस तरीके से डीएनए को हम क्या बोलते हैं, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, इसी तरीके से प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, चेन ऑफ अमाइनो एसिड बोलते हैं। ओके, सो इन अमाइनो एसिड को कैरी करने का काम किसका है, टीआरएनए का। थोड़ा बाउंसर गया होगा आपको ये सारी चीजें, बट ये सारी चीजें इन डिटेल हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ओके, इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि जेनेटिक डिसऑर्डर ये क्या चीज होता है। ओके, एंड इनके कुछ एग्जांपल्स हमसे पूछे जा रहे हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो बर्थ से ही होता है। मैंने ये चीज बताया आपको कि ऐसे डिजीज या ऐसे डिसऑर्डर्स जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, उन डिसऑर्डर्स को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स बोलते हैं, या नहीं तो जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। ओके, इसके हिसाब से जो भी डिसऑर्डर रहेगा ये बर्थ से ही प्रेजेंट रहेगा ना बॉडी के अंदर। अब ये डिसऑर्डर होता क्यों है, तो ये डिसऑर्डर सिंपली होता है म्यूटेशन के वजह से। म्यूटेशन क्या है, डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर अगर चेंजेस आते हैं, इन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, और इसी चेंजेस के वजह से, इसी म्यूटेशन के वजह से डिसऑर्डर हो जाता है, यानी तो कुछ डिजीज हो जाता है बॉडी के अंदर। ओके, और इसी म्यूटेशन के वजह से जो डिसऑर्डर होता है बॉडी के अंदर, इस डिसऑर्डर को ही हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। क्लियर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे डायबिटीज, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। हार्ट के डिजीज, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी तो इनफर्टिलिटी, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे एग्जांपल्स है किसके, जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्चुअल कंसेप्ट। तो जैसा कि हमें ये चीज पता चल चुका है कि प्रोटीन ये सिंथेसाइज होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए, मींस डीएनए से ही प्रोटीन रेडी होता है। ओके, मींस बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन रिक्वायर है जिस भी समय पे, वो प्रोटीन बना के देने का काम किसका है, डीएनए का है। पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा जो जेनेटिक कोड है प्रोटीन बनाने का, वो कहाँ पे स्टोर होता है, तो डीएनए के अंदर ही स्टोर होता है। ओके, बट ये भी चीज मैं आपको ये बता दूं कि प्रोटीन डायरेक्टली डीएनए से रेडी नहीं होता है, बीच में आरएनए आता है। मींस डीएनए से सबसे पहले आरएनए बनेगा और इस आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ओके, मींस ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है ये डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, ये दो स्टेप में होता है। सबसे पहले डीएनए से आरएनए रेडी होता है और इसी आरएनए से प्रोटीन रेडी होता है। ओके,
और ये पूरे स्टेप को, ये पूरे प्रोसेस को जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। ओके, सो इन डिटेल अबाउट दिस सेंट्रल डोग्मा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मींस पेज नंबर 2 में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो समझा हो। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट नाम दे लो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के पेजेस को एक्सप्लोर करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड